कंप्यूटर बाबा पर इंदौर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर संत समाज ने इंदौर प्रशासन का धन्यवाद किया। इस दौरान देव मुरारी बापू ने कहा कि कंप्यूटर बाबा के अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कंप्यूटर बाबा अधिकारियों को डरा धमकाकर कार्य करा रहे थे, प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा को उनकी सही जगह जेल पहुंचा दिया है। देव मुरारी बापू ने कहा कि उनकी भविष्यवाणी सही हुई है। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर बाबा और उनके चेले कमलनाथ जेल जाएंगे। कंप्यूटर बाबा तो जेल चले गए, अब चेले का भी नंबर आएगा। गौरतलब है कि देव मुरारी बापू कंप्यूटर बाबा के खिलाफ टीटी नगर थाने में जान से मारने के मामले में प्रकरण दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कंप्यूटर बाबा पर कई आरोप लगाए और कहा कि कंप्यूटर बाबा अधिकारियों को डरा धमकाकर पैसा ऐंठने का कार्य करते हैं, नर्मदा में रेत अवैध उत्खनन का कार्य करते हैं। बंधुओं को मैं अवगत कराना चाहता हूं, जैसा मुझे जानकारी मिली है मध्य प्रदेश के जो कंप्यूटर बाबा जिन्होंने इंदौर में करोड़ों रुपए का अवैध जमीन कब्जा कर मठ बनाया हुआ था, जिला प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया और कंप्यूटर को उसकी असली जगह जेल भेज दिया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष 2019 में 14 अक्टूबर 2019 को मैंने कहा था कि कंप्यूटर अवैध उत्खनन करा रहा है, दो नंबर के काम कर रहा है, अधिकारियों को धमका करके पैसा एकत्रित करने का काम कर रहा है। पुलिस ने उसको उसकी जगह उसके अंजाम तक भेज दिया और मैंने कहा भी था कि कंप्यूटर तो होगा फेल, कमलनाथ जाएंगे जेल। कमलनाथ की सरकार पहले ही गिर चुकी है, कंप्यूटर अपनी जगह पहुंच गया। जब गुरु जेल पहुंच गया तो अब चेला कमलनाथ का भी नंबर आने वाला है, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।